प्रश्नावली 3.2 का छठा सवाल। एक वर्गाकार बाग के गुलाब के पौधे लगाए जाने हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्तियों की संख्या है। यदि बाग में 2401 पौधे लगे हों तो उसमें पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो माना कि पौधों की संख्या एक से, तो सवाल में कहा गया है जितने पौधों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या है। अगर पौधों की संख्या एक से तो पंक्तियों की संख्या भी एक हो जाएगी। अब पौधों की संख्या 2401 दे रखी है तो पंक्तियों का पौधों में गुणा करेंगे तो 2401 आएगी, अर्थात x का x में गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर 2401। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये वाली संख्या रूट में चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी, अर्थात इसका वर्गमूल निकालना है। तो 2401 का वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए हमें इसके दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 24 है, अब हमें 24 से छोटी संख्या का वर्ग देखना है, जैसे कि 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 और 5 × 5 = 25। 24 से ज्यादा हो जाएगा, हमें कम का लेना है इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो 4 × 16, इधर 4 को जोड़ना है, 4 × 4 हो जाएंगे 8, 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आ जाएंगे। ये पूरा जोड़ा इसी प्रकार से नीचे उतरेगा, 01 नीचे उतरा, यहाँ पे 801 हो गए, यहाँ पे सिर्फ 8 है। अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है जिसमें गुणा करने पर, उसी संख्या का गुणा करने पर या तो 801 आए या फिर उससे छोटी संख्या है, तो ऐसी संख्या हो जाएगी 9। 9 का 89 में गुणा करेंगे तो 801 आ जाएंगे और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 आया, इसलिए यहाँ पे 9 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 98 आ जाएंगे। इसका मान x का मान 49 आया है, अर्थात पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या 49 है। सातवां सवाल, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 व 10 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4, 9 व 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अर्थात इसका लसा लेंगे तो 4, 9, 10 का लसा लेंगे तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 का 4 में भाग चला गया 2, 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9 और 10 में 5 बार भाग चला जाएगा। फिर 2 लेंगे, 1 बार जाएगा, 9 का नहीं जाता तो 9 और 5 का नहीं जाता तो 5। अब छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनमें से किसी एक संख्या का भाग चला जाए तो 9 में 3 का चला जाएगा, 3 × 4 = 9 और 5 × 5, 3 में फिर 3 का चला जाएगा, 3 × 1 = 3, 5 × 5। अब 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा इसलिए 5 और इस प्रकार 4, 9, 10 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसमें एक 5 का गुणा करना पड़ेगा तो 180 × 5 = 900। 900 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 का, 9 का और 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा।